मेरा राम राम जी, मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CBSE अपडेट्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहले तो आप मेरे को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे रोज बढ़ रहे हैं, इतना सारा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे एक डाउट किया था कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अलग, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब होता है गुजराती, उड़ीसी, असमीज और आप उसमें आदिवासी या फिर वहाँ की लैंग्वेजेस का आप जिक्र कर रही हैं। तो मैं एक बार क्लियर करना चाहती हूँ इस बात को कि देखिए, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस या फिर रीजनल लैंग्वेजेस कुल मिलाकर या आदिवासी लैंग्वेजेस कुल मिलाकर उनका एक ही अर्थ निकलता है, दैट इज योर नेटिव लैंग्वेज, मतलब जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसकी जो प्रचलित लैंग्वेज है या जो बोलने में सबसे ज्यादा यूज होती है वो लैंग्वेज को जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। अब गुजराती लोगों, गुजराती, गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो सारे ही लोग गुजराती बोलते होंगे। इसके बाद राजस्थान में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही लगभग राजस्थानी बोलते होंगे। अगर हम बाहर वाले स्टेट के जो अंदर आते हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो उनका जो मेन जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से देखिए जिस तरीके से ये मैंने प्रेजेंट किया है। और तो चलिए फिर आज की वीडियो की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि आज का वीडियो आपको चार सेक्शंस में मिलेगा, जिसमें पहली मैंने आपको बताया है कि एक प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग होने वाली है, दो सेक्शंस में एक टीचर्स स्किल मॉड्यूल का है और चौथे सेशन में आप अपने बच्चों को ये मोटिवेट करें कि वो डिजिटल नागरिक की प्लेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन की गई है उसको ले और उसके बारे में अवेयर भी हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर आज ये डला और आज ही मैं आपके लिए इसको लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, ये वीडियो चार चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर रहा है आपको। प्रिंसिपल्स के लिए ट्रेनिंग यानी कि सीवीपी कैपेसिटी, सीपीडी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और उसके बाद जो है इसके बाद कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है प्रिंसिपल्स के लिए। टीचर्स के लिए भी दो डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, मतलब टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं दो सेक्शंस में या दो सेशंस में। उसके बाद एक जो प्लेज है जो कि बच्चों के अवेयरनेस के लिए है वो भी यही जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होने वाली है ARVR पे, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एंड डिजिटल सिटीजनशिप, ये तीन जो है टॉपिक्स हैं इसके। प्रिंसिपल्स की जो है वो होने वाली है इन तीनों पर एक ही दिन 4 अगस्त को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर है। अच्छा, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए जितनी भी वर्कशॉप्स होंगी उन सबकी रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के लिए यही सेम है, बस आपको ऑप्ट करना है कि आप टीचर हैं या प्रिंसिपल है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखा दूंगी। इसके बाद हम चलते हैं टीचर्स की तरफ। तो टीचर्स की जो शेड्यूल है वो किया गया है 10 अगस्त, पहला स्लॉट ये है जिसमें आपको ARVR के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्लॉट है 17 अगस्त, 22 सितंबर, 11th ऑफ अक्टूबर, ये जो है टाइमिंग्स भी यहाँ पर दी गई हैं जिसमें आप इस पर दूसरे वाले स्लॉट में आपको डिजिटल सिटीजनशिप की जो है ट्रेनिंग वो दी जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए क्या किया। तो स्टूडेंट के लिए एक डिजिटल नागरिक होने का प्लेज वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, मैं आपको इस पर क्लिक करके भी दिखा देती हूँ। आप सभी लोग इसके अपने स्टूडेंट्स को जरूर भेजें और प्लेज लें। अभी तक 50,253 प्लेजेस ले चुके हैं सभी लोग मिलाकर, इसे कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर, पेरेंट या स्टूडेंट ही लें, इसे कोई भी ले सकता है। अगर आप स्कूल से जुड़ी हुई कोई फैकल्टी, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट नहीं है तो भी आप इसे ले सकते हैं। अपना फुल नेम डालिए, ई मेल आई डी डालिए, सिटी, स्टेट और आपकी ई मेल आई डी पर इसका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम आ चुके हैं ARVR की दुनिया में। ये देखिए, आई एम अ टीचर या प्रिंसिपल, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैंने टीचर पे क्लिक कर दिया। स्कूल नेम मैंने अपना डाल दिया, जैसे कि मान लीजिए मैं जो हूँ वो आमी पब्लिक स्कूल से हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं करूँगी, बाद में कंप्लीट करूँगी, फिलहाल मैंने इसको डाल दिया आपके देखने के लिए। नेक्स्ट किया तो ये देखिए टीचर्स रजिस्ट्रेशन, टीचर्स नेम आ जाएगा, ई मेल एड्रेस आपका, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल का, प्रिंसिपल का नेम आपको डाला, प्रिंसिपल का ई मेल एड्रेस, और ऐसे करके आप सारा फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और मैं सजेस्ट करूँगी कि आज की आज ही जो है आप इसमें रजिस्टर कर लें, सो दैट बाद में आपको कोई भी नेटवर्क इशू या फिर सीट्स फुल ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना है, उसके लिए बेटर है कि आप आज ही इसको रजिस्टर करें। बिल्कुल नया सा सर्कुलर है जी। तो मिलती रहूंगी आपसे इसी तरीके के और वीडियोस में, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है उनको भेजते रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।